हेलो बिटिया, आपके पिताजी से बात करनी थी। जस्ट अ मिनट। डैडी आपका फोन है, चलिए अंदर बात करते हैं। नमस्कार, मैं मुख्यमंत्री धीरेन्द्र बोल रहा हूँ। नमस्कार मंत्री जी, बहुत तमन्ना था आपसे बात करने का। हम आतंकवादी जगीरा बोलता है। आतंकवादी जगीरा? वही जगीरा जिसे 21 मुल्कों का पुलिस ढूंढता है मंत्री जी। वो जगीरा जिस पर हिंदुस्तानी सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा है, जिंदा या मुर्दा। जगीरा, अपने आपको पुलिस के हवाले कर दो, वरना। वरना क्या, 21 मुल्कों का पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाया, तू क्या करेगा? अरे बेवकूफ, तुम्हें हिंदुस्तान की पुलिस की ताकत का अंदाजा नहीं है। उसने अब तक तुम जैसे कितने मुजरिमों का सर कुचल दिया है, और तुम्हारा भी वही हश होगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि तेरा पुलिस मेरा सर झुकाता है या मैं तेरा सर कलम करता है। मुख्यमंत्री, मुझे पड़ोसी मुल्क ने एक खास मकसद के लिए तेरा शहर में भेजा है। वो मकसद है तेरा परिवार को खत्म करना। और देखना, मैं सिर्फ 15 दिन का अंदर अंदर तेरे खानदान को खत्म कर देगा। सिर्फ 15 दिन। जगीरा तेरे को चैलेंज देता है मंत्री, आज से अपने मौत के दिन गिनना शुरू कर दे। सिर्फ 15 दिन। हेलो हेलो, दिलकरी का फोन काट दिया है। जगीरा 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 हाँ।
सिटी अंडर थ्रेट। ऐसा है ये वक्त किसी को क्या कोई समझाए, नागन सी बैठी खामोशी कब किसको दस जाए। सन्नाटों में हल्की सी आवाज भी जब आती है, हर आहट में दिल की धड़कन तेजी हो जाती है। सर, जिस आतंकवादी जगीरा ने आपको फोन पर जान से मारने की धमकी दी है वो काफी खतरनाक है सर। इंटेलिजेंस ने जगीरा की एक फाइल तैयार की है जिसमें जगीरा के बारे में काफी डिटेल्स हैं सर। सर, उसका एक ही मकसद है, आपको और आपके खानदान को खत्म करना। वो आप पर या आपकी बेटी पर किसी भी वक्त अटैक कर सकता है सर। सर, यह है जगीरा की फाइल। सर, आपकी बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? आप लोग यहीं रुकिए, हम लोग आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ हैं। अगर आपको अकेला छोड़ा और आपको कुछ हो गया तो अवाम, प्रेस वाले और टीवी वाले सिर्फ हमें कसूरवार ठहराएंगे, इसलिए आप बहस करके कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों ने मुझे अकेले जाने नहीं दिया तो मैं पापा को फोन करके हमेशा की तरह जिद करूंगी और उनको मेरी जिद के आगे झुकना ही पड़ेगा और फिर वो आपको ऑर्डर करेंगे और आपको मानना पड़ेगा। हमेशा ऐसे ही होता है ना, फिर क्यों वक्त जाया कर रही हो? अब मैं जाऊं? ओके। बात है, सलीम नाम है मेरा, सलीम कुकार आतंकवादी जगीरा का छोटा भाई। मेरे भाई ने हुक्म दिया कि जा जाकर मुख्यमंत्री की बेटी को खत्म कर दे, लेकिन मैं तुझे खत्म नहीं करूंगा, तुझे खत्म नहीं करूंगा। तेरे सीने पर गोलियों की बरसात करने से पहले मैं तुझे अपने सीने से लगाकर
जाओ मत बहन। कौन है तू जो हमारे मकसद के बीच दीवार बन के खड़ा हो गया है? नाम सूरज है, पेशे से डॉक्टर हूं। इंसान मेरी शरण में अपनी जान की सलामती के लिए आता है, मगर ये मत समझना कि डॉक्टर हूं तो सिर्फ दवाइयों के सहारे लड़ना चाहता हूं। बात अगर किसी लड़की की इज्जत की हो तो अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी इज्जत की हिफाजत भी कर सकता हूं। तू मुझे जानता नहीं है, मैं जगीरा का भाई हूं, जगीरा का भाई सलीम। जगीरा बहुत ही खतरनाक आतंकवादी है सर, वो कुछ भी कर सकता है। वो जगीरा जिसे देखते ही इंसानों की सांसें रुक जाती है। बल्कि सर, अगर ये कहा जाए कि जगीरा एक इंसान नहीं हैवान है तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। उस जगीरा का भाई जिसने सारी दुनिया में आतंक फैला रखा है। सर वही खतरनाक आतंकवादी इस वक्त हमारे शहर में है, जिसकी वजह से सारे शहर में दहशत फैली हुई है। इसलिए कहता हूं कि जगीरा के बीच में रुकावट बनने की कोशिश मत कर। जगीरा ऐसी भयंकर मौत मरेगा कि उस मौत को देखने और सुनने वाले तेरी बात का इतिहास लिख देंगे, इतिहास लिख देंगे, इतिहास। जगीरा एक आतंकवादी है, कोई खुदा नहीं जो मेरी जिंदगी पर मौत की मोहर लगा देगा। लगता है तुझे अपनी जिंदगी से कोई मोहब्बत नहीं है? है, मुझे अपनी जिंदगी से बहुत मोहब्बत है, लेकिन अपनी जिंदगी से ज्यादा मोहब्बत मैं अपने मुल्क से करता हूं और अपने मुल्क की खातिर अगर मैं अपनी जान दे सकता हूं तो किसी की जान ले भी सकता हूं। गलती हो गई अपने से भाई, मैंने अपने भाई के हुक्म के खिलाफ कदम उठा लिया। चाहता तो उसी वक्त इस लड़की को मार देता, कम से कम मेरे लोग शहीद होने से तो बच जाते, लेकिन मैं उनकी कुर्बानी को बेकार नहीं होने दूंगा। अब सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा डॉक्टर, तुझे मारूंगा मैं, उसके बाद तेरी लाश पर उस लड़की को लिटाकर अपनी हवस का जश्न मनाऊंगा, जश्न। अपनी छोटी सी जीती मुस्कान चेहरे से हटा ले इंस्पेक्टर, मुझे मारने से इस देश में आतंक कम नहीं होगा। हमारी तादाद बहुत है, हमारी तादाद। अगर तुम जैसे आतंकवादी की तादाद बहुत ज्यादा है तो हम जैसे देशभक्तों की तादाद करोड़ों गुना है। अगर हिंदुस्तान की आन बान और शान की बात आई तो हर एक हिंदुस्तानी सर पे कफन बांधकर निकलेगा और तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने देगा कभी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे इंस्पेक्टर। जगीरा की ताकत का अंदाजा नहीं तुम्हें, वो जल्लाद है, उसकी कहर से कोई बच नहीं सकता। सब खत्म हो जाओगे, सब खत्म हो जाओगे। हाँ, ये मेरी बेटी है और तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझे बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं सर, इसे एहसान कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर। सर मेरी जगह कोई और भी होता तो किसी लड़की की जान को खतरे में देखकर शायद वही करता
जो मैंने किया सर। नहीं बेटा, आज जमाना बहुत बदल चुका है। पहले जब किसी बहू बेटी पर खतरा होता था, उसकी इज्जत को खतरा होता था, देश की आन को खतरा होता था, तो इंसान अपने सर पर कफन बांधकर कुर्बान होने के लिए तैयार होता था। लेकिन आज तमाशाई लोग ज्यादा हैं, उनकी तलाश ज्यादा हो गई है। सिर्फ बातें करके अपने आप को तसल्ली देने वाले लोग ज्यादा हैं। आज तुमने मेरी बेटी की जान बचा दी। अगर तुम वहां वक्त पे नहीं पहुंचते तो जगीरा के भाई ने तो मेरी बेटी को खत्म ही कर दिया होता। अवाम और गॉसिप प्रेस वाले इस बात को बहुत बड़ा इशू बना लेते। कल सारे शहर में यही बात हो रही होती कि जब पुलिस वाले मुख्यमंत्री की बेटी की हिफाजत नहीं कर सकते तो आम उनकी रक्षा क्या करेगी, उनकी सुरक्षा क्या करेगी। सब लोग पुलिस और सिस्टम को बुरा कहते हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद जुर्म के खिलाफ लड़ाई लड़े, मुकाबला करें बुराई का। ऐसे में बेटा तुमने जो किया है वो काबिल तारीफ है। तुम जैसा जज्बा अगर हर नौजवान के दिल में हो तो मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान की तरफ कोई बुरी नजर से नहीं देख सकता। मगर आज हमारे देश में, बल्कि हमारे इस शहर में, वो खतरनाक आतंकवादी जगीरा मौत का साया बनकर बैठा हुआ है। जगीरा इस शहर को राख में बदलना चाहता है। और जगीरा अपनी जंग का ऐलान कर चुका है। उसी ने मेरी बेटी पर हमला भी किया था। अब वो तुम्हें भी मार डालेगा, क्योंकि तुम उसके मकसद में दीवार बनकर खड़े हो। क्योंकि तुम्हारी ही वजह से जगीरा का छोटा भाई सलीम मारा गया है। लेकिन सूरज, तुम उसकी बिल्कुल फिक्र ना करो, बिल्कुल फिक्र ना करो। तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर मेरे पर एहसान किया। अब हमारा फर्ज है कि तुम्हारी सुरक्षा का ऐसा बंदोबस्त करें कि वहां परिंदा भी फड़फड़ा ना सके। इंस्पेक्टर खान सर, इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करो। प्लीज सर, मैं अपना बचाव खुद कर सकता हूं सर। मुझे आपकी आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सूरज, तुम्हें जगीरा के शैतानी इरादों का इल्म नहीं और ना ही उसकी ताकत का अंदाजा है। जगीरा कुछ भी कर सकता है। माफ कीजिए सर, अगर इंसान के इरादे मजबूत हो तो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। ऊपर वाला मेरे साथ है सर, जगीरा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सर, बरसों से इन आतंकवादियों ने पूरी दुनिया में आतंक फैला के रखा हुआ है, मगर कभी भी कोई आतंकवादी किसी मुल्क पर अपनी फतह हासिल नहीं कर पाया सर। इन आतंकवादियों के डर के साए में जिंदगी गुजारने से अच्छा सर कि हम इनसे लड़ते लड़ते शहीद हो जाएं। क्योंकि सर, शहीद की मौत पर तो बेगाने भी शामिल होते हैं, मगर किसी आतंकवादी की मौत पर तो उसके अपने भी उसके अंतिम संस्कार में शरीक नहीं होते सर। सर, अगर आपको लगता है कि आपकी लड़की को बचाकर मैंने आपके ऊपर कोई एहसान किया है सर, तो आप भी प्लीज एहसान मुझ पर कर दीजिए सर। जो खर्चा आप मेरी सुरक्षा पर करना चाहते हैं, उन्हीं पैसों से अगर आप गरीबों के लिए स्कूल बना दें, उन बेसहारों के लिए सर जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, आप अगर उनके ऊपर पैसा खर्च करेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। मुझे लगेगा कि आपने मेरे एहसानों का बदला चुका दिया सर। वाह बरखुरदार वाह, अगर तुम्हारे जैसे विचार आज हमारे देश में हर नौजवान के हों तो मैं सच कहता हूं वो दिन दूर नहीं जब हर बच्चे बच्चे का सर फक्र से ऊंचा होगा। मैं ऐसा ही करूंगा। फिलहाल जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो किसी भी चीज की, बिना सोचे बेझिझक चले आना। थैंक यू सर। सर, मैं इजाजत चाहूंगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू इंस्पेक्टर। ऑल द बेस्ट। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं रजनी बोल रही हूँ।
पत्नी को रखेल नहीं जो तुम मुझे भीख की तरह वक्त देते हो। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, पैसा नहीं। दम घुटता है मेरा तुम्हारा तन्हाइयों में इंतजार करते हुए। मैं जा रही हूँ तुम्हारे इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के। सूरज कैसी हो? तुमसे दूर रहकर सुखी नहीं हूँ। सोचा था तुमसे दामन छुड़ा लूंगी, तो मेरे दामन में खुशियां भर आएंगी। लेकिन जब से तुमसे दूर हुई हूँ मेरे दामन में दुखों ने अपना घर कर लिया है। सूरज मैं फिर से इस दुनिया को छोड़कर तुम्हारी दुनिया में आकर अपनी आगे की जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मेरा घर? रजनी जब से तुम ये घर छोड़कर गई हो मेरा ये घर मुझे खंडरों से भी बदतर नजर आता है। अब तो मैं इस घर में बस एक जिंदा लाश की तरह जी रहा हूं तुम्हारे बिना। तुम्हारे बिना मेरा जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। इस बात का एहसास मुझे तुमसे दूर रहकर हुआ। क्या हम फिर से एक साथ रहकर आगे की जिंदगी नहीं गुजार सकते? रजनी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रजनी जल्दी आ जाओ। मैं अभी आती हूँ सूरज, मैं अभी आ रही हूँ। चाहता है दिल ये मेरा प्यार का ये
जाऊं आज तेरी पलकों तले। छाया है तुझे नशा, छाया है मुझे नशा, छाया है तुझे नशा, छाया है मुझे नशा। आओ ना प्यार करे तू नहीं तो कहां मुझे जाना है। तेरी बाहों में मुझे तो समाना है। मस्तारा ये समां उस पे दो देखो तो दरवाजा कौन खटखटा रहा है। इस वक्त मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहता। इस समय मैं जरा रोमांटिक मूड में हूँ। प्यार की दुनिया में बस जाना चाहता हूँ, तुम्हारी बाहों में खो जाना चाहता हूँ। जो कोई भी है उसे कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। ओह, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी सुधर जाओगे। Oh, really? Yeah. I love you, रजनी। I love you too. लेकिन देखो तो सही दरवाजे पर कौन है। अरे भाई, जो कोई भी होगा प्यार का दुश्मन होगा जो बेवक्त आकर दरवाजा खटखटा रहा है। अरे कौन है भाई? अरे जो कोई भी है अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। हेलो, कौन है? दरवाजा खुला है, मैंने कहा ना अंदर आ जाइए। अरे सुनाई नहीं देता क्या? अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। कौन है आप? जकीरा, आतंकवादी जकीरा। हाँ जकीरा, ओए जकीरा, वो जकीरा जिसका तलाश 21 मुल्कों का पुलिस करता है, वो जकीरा जो एक खास मकसद के लिए हिंदुस्तान आया है, वो जकीरा जिस पर हिंदुस्तान सरकार ने 1 करोड़ का इनाम रखा है, जिंदा या मुर्दा। हमारा छोटा भाई को मारकर अगर तू समझता है कि तू बहुत बड़ा फतेह हासिल कर लिया तो ये तेरा भूल है डॉक्टर। हम इस शहर में धीरेन्द्र सिंह और उसका परिवार को मौत का घाट उतारने का मकसद लेकर आया है, लेकिन अब हमारा मकसद में तेरा मौत भी शामिल है। देख जगीरा, तुम जानते नहीं हो। रोजा है, देखने में जितना खूबसूरत है उतना खतरनाक भी है। जो इसको गले लगाने का कोशिश करता है ना, ये मौत को उसका गले लगा देता है। और वो देख, वो है राजा।
दिल का अच्छा है लेकिन दिमाग का बहुत तेज है। लेकिन हथियारों से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करता है। हमारे बाद हमारा ग्रुप का लीडर ये बच्चा बनेगा। और ये है अब्दुल्ला दीवाना। इसे ना दुनियादारी से मोहब्बत है और ना ही अपने आप से। मांगने से ज्यादा साला छीनने में यकीन करता है। और ये है राहुल्ला दूरा फकीरा। इन तीनों भाइयों में सोचने समझने का शक्ति नहीं है, दिमाग से पैदल है बेचारे। मेरे एक इशारे पर अपनी जान दे भी सकते हैं पर किसी का जान ले भी सकते हैं। मुझे ना उन लोगों से कुछ लेना देना है और ना ही तुमसे। बाय द वे, तुम लोग चाहते क्या हो? पनाह। जब तक हमारा वो मकसद पूरा नहीं हो जाता जिसके वास्ते हम लोग हिंदुस्तान आया, हम लोग इसी घर में रहेगा। ये मेरा घर है, कोई अनाथाश्रम नहीं है। और ये घर मेरे खून पसीने का नतीजा है, मेरे सपनों का महल है ये। और मैं अपने इस आशियाना में तुम जैसे हथियारों को पनाह देकर इसे कभी भी नापाक नहीं होने दूंगा। चले जाओ यहां से। जगीरा को ऊंचा आवाज पसंद नहीं है, समझा? अगर आइंदा कभी जगीरा से ऊंचा आवाज में बात करने का कोशिश किया तो तेरा आवाज हमेशा के लिए बंद कर देगा जगीरा, समझ गया? रुक जाओ। जिंदगी में पहला बार किसी ने जगीरा को हाथ लगाया, जिंदगी में पहला बार। साला इधर आ। जगीरा को हाथ लगाया साले, छोड़ेगा नहीं तेरे को। तू कोई चालाकी करेगा तो तेरा बेटी जाएगा। चल चल। हेलो। हेलो बेटा, मैं धीरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, हाउ आर यू सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। मेरे आज तो शहर में तुम्हारे चर्चे हो रहे हैं, सब अखबारों में तुम्हारी ही तस्वीरें छपी हैं, हर चैनल पर तुम हो, तुम ही तुम हो। बेटा देखा तुमने? हाँ सर, मैंने देखा। बेटा आज तुमने मेरी बेटी की जान जो बचाई है उसके लिए मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा। बहुत बड़ा काम किया है तुमने। आई एम रियली रियली वेरी थैंकफुल टू यू।
मेरा कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो झिझकना मत, एक फोन कर देना बस। हाँ सर ठीक है, ओके ओके सर, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। थैंक यू सर। क्या थैंक यू बोला ना? अरे साला तू तो सचमुच का हीरो बन गया रे डॉक्टर। देख जगीरा देख, एक चीज याद रखना, तू अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू अपने आप को अपने साथियों के साथ पुलिस के हवाले कर दे। घर बहुत खूबसूरत बनाया रे तू, बहुत खूबसूरत घर है, लेकिन सिर्फ अंदर से, बाहर से एकदम खटर का मापक दिखता है। सरकार को धोखा देने के लिए बहुत चालाक आदमी रे तू साला। ओए इस घर का चप्पा चप्पा का तलाशी ले। नहीं चलो, नहीं कहा कौन सा खिड़की है, कौन सा दरवाजा है। आज के बाद हमारा इजाजत का बगैर इस घर में कोई परिंदा भी नहीं आना चाहिए। चलो जल्दी करो। नहीं स्टॉप इट, मैं कहता हूं रुको, जगह अपने आप को रोको रोको। सारा हिंदुस्तान का पुलिस हमारे पीछे पड़ा है, हमको मालूम है कि शहर का चप्पा चप्पा पुलिस तलाशे गया, लेकिन इस घर का तलाशी नहीं हुआ, क्योंकि तुम तो सबका हीरो बन गया है ना, है ना? जनाब उस तरफ कोई दुकानें हैं, उनके हालत देख के तो लगता है कि बरसों से बंद है। हाँ। घर के सामने जो सड़क है ना भाई, ऊपर से बहुत अच्छी तरह निगरानी कर सकते हैं हम। भाई इस घर के बाएं तरफ एक और घर भी है, मगर वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। जरा वो तरफ कुछ सीढ़ियां जो नीचे जाती है। बंद करो बंद करो बंद करो तमाशा और जाओ यहाँ से। चले जाएंगे डॉक्टर साहेब, कोई कुछ चिल्लाता है हा? हमारा मकसद पूरा होते ही हम इधर से चले जाएंगे, लेकिन जब तक हम लोग इधर पे हैं, अगर तूने या तेरी बीवी ने हमारे खिलाफ कोई भी साजिश करने का कोशिश की तो इस घर को कब्रस्तान बना देंगे हम लोग। नहीं, जगीरा, अगर मेरे घर की तरफ नजर उठाने की कोशिश की ना तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। सुना तूने जगीरा? अब्दुल्ला नहीं, नहीं। इस खबीज का बच्चा को जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसने मुख्यमंत्री का बेटी का जान बचाया है और ये उसकी आंखों का तारा बन गया है। वो साला बार बार इधर फोन करेगा और अगर फोन पर इसका आवाज नहीं सुनेगा तो समझेगा कि जगीरा ने इसको मार डाला। फिर हमारा इस शहर में छुप के रहना मुश्किल हो जाएगा। अड़ जा बच्चा। डॉक्टर साहेब जगीरा ने जिंदगी में किसी का एहसान नहीं लिया। सच्ची देखो, हम तुम्हारे घर में रहेगा ना, जब तक रहेगा तुमको इसका कीमत देगा, कीमत देगा तुमको। बोल कितना कीमत चाहिए हमको पना देने का? बोलना। मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए। हाथ जोड़ता हूं, चले जाओ यहां से, चले जाओ। कीमत तो तेरे को बोलना ही पड़ेगा। कितना कीमत चाहिए बोल। मुझे मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए जगीरा। कभी इसका बच्चा हराम का औलाद, बोल कितना कीमत चाहिए, बोलना यार। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम सबके सामने हाथ जोड़ता हूं। अरे मेरा ये घर छोड़ के चले जाओ प्लीज। ए, बोल कितना कीमत चाहिए। मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए जगीरा। साला देख, हम तेरे को मार नहीं सकता है, लेकिन लेकिन लंगड़ा तो जरूर बना सकता है। हम तेरे को अपाहिज बना देगा डॉक्टर। बोल कितना कीमत चाहिए, कीमत बोल, कीमत बोल। मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए। बोले डॉक्टर, बोल 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 बोल, जल्दी नहीं तो मर जाएगा तू, बोल। डॉक्टर जनाब के सर पर खून सवार है, बोल कीमत बोल। मेरे कीमत बोल नहीं चाहिए। ये मार डालेगा तेरे को। कीमत बोल दो डॉक्टर,
नहीं तो भाई तुम्हें मार डालेगा। ए डॉक्टर, जो अपनी जान का दुश्मन बनता है, जनाब तेरा भेजा उड़ा देंगे। बोल कीमत, बोल, मुझे कीमत नहीं चाहिए। डॉक्टर कीमत बोल, वरना बेमौत मारा जाएगा। हाँ हाँ बोल जल्दी, बोल बोल, नहीं तो मार डालेगा, मार डालेगा जगीरा तेरे को। कीमत बता दीजिए ना। एक करोड़ रुपया, एक करोड़, सुना तुमने, एक करोड़ रुपया इसकी कीमत है। वैसे डॉक्टर दिल का बहुत अच्छा आदमी है। ओए बेवकूफ, दिल का तो हर इंसान अच्छा होता है, मगर ये कमबख्त दिमाग है ना, ये इंसान को शैतान बना देता है। बहुत बड़ा, बहुत ही खूबसूरत। डॉक्टर ने अपना घर अंदर से कितना खूबसूरत बनाया है, लेकिन बाहर से खंडर जैसा क्यों लगता है? साला अपनी समझ से बाहर है। ए, तेरे को क्या लेना, घर अच्छा है ना। बस फालतू बातें करता है, खाओ पियो। डॉक्टर की बीवी भी बहुत अच्छी है, मेरा तो दिल आ गया उसकी बीवी पर। जाते समय डॉक्टर को मारकर उसकी बीवी को उठाकर ले जाऊंगा। के खिलाफ जाने की बात करता है, हरामखोर, भूल गया जकीरा के उसूल। गौर से सुन, हमारे के बीच में कभी कोई लड़की नहीं आनी चाहिए, समझा? क्योंकि लड़की का अक्स दिमाग में आते ही बाजुओं की ताकत कमजोर पड़ जाती है। बेवकूफ कहीं का, अगर आईंदा कभी हमारे मकसद के बीच कोई लड़की आई तो भेजा उड़ा दूंगा तेरा, समझा? जकीरा भाई, क्या है? उस रूम से किसी लड़की की तस्वीर मिली है। लड़की की तस्वीर? डॉक्टर के घर में दूसरी कौन हो सकती है? चुपके से हो आ गया कल यार, चुपके से
चुपके से। चुपके से हाँ मैंने की तकरार चुपके से, क्यों करूं इनकार चुपके से, हो आ गया गलियार चुपके से, हाँ कर गया मुझे प्यार चुपके से, चुपके से 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 चुपके से। आप देख रहे हैं क्या देख रहा हूँ लड़की क्या कर रही है लड़की कपड़े उतार वाह जिस खूबसूरत जिस्म को बरसों से हासिल करने की तमन्ना थी उसे देखा तो तमन्नाएं और बड़क उठे आप कब आए मैं उस वक्त अंदर आया जब तुम अपने शरीर से कपड़े उतार रही थी आपको इस तरह अंदर नहीं आना चाहिए था क्यों नहीं अरे हम शेर हैं शेर और शेर कहीं भी आ जा सकता है कहीं भी और कुछ भी हासिल कर सकता है जो प्यार से मान जाए वो प्यार से वरना जबरदस्ती करके बोल तेरा क्या इरादा है आप यहाँ से जाइए प्लीज देख रहे अगर प्यार से बात मान जाएगी मेरी तो लोग कहेंगे प्यार है अगर जबरदस्ती करूँगा तो लोग कहेंगे बलात्कार है बलात्कार के बाद बहुत बदनामी होती है किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाओगी इसलिए शराबत से बात मान जा कपड़ों का Shut up and get from here. ऐसे नहीं मानेगी तुम
तेरे साथ तो जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। तुम मदद करने का शुक्रिया नहीं बोलूंगी क्योंकि ये तो तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारी बाहों में आके मैं सारी दुनिया भूल जाती हूँ। सारी दुनिया भले ही भूल जाओ मैडम, लेकिन ये नहीं भूलना कि आज तुम्हें अवार्ड फंक्शन में जाना है। यू आर गेटिंग द बेस्ट सिंगर्स अवार्ड। ओह माय गॉड, तुम्हारे चक्कर में मैं तो भूल ही गई। आज मुझे बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिलने वाला है। और ये तुम्हें याद किसने दिलाया? मैंने। थैंक्स। मैडम, आपके घर से आपके भाई ने किसी को भेजा आपको ले जाने के लिए। मेरे घर से? जी। कौन? भैया। बबली, तू ठीक तो है ना? हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? वो एक्चुअली मैं तुम्हें। क्या हुआ भैया? वो जो आदमी तुम्हें लेने गया था, उसने कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना तुमको? भैया, आपके दोस्त तो बहुत बढ़िया इंसान है। बबली, वो आदमी इंसान नहीं, शैतान है, शैतान। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो आदमी एक आतंकवादी है। आतंकवादी? तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं आतंकवादी ही हूँ। और इस वक्त तुम हमारा कैद में है। What? हाँ बबली, हम सब इन लोगों की कैद में हैं। इन लोगों ने हमें हमारे घर में बंदी बना के रखा हुआ है। तुम्हें तब तक बंदी बना कर रखा जाएगा जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। लेकिन हमारा मकसद पूरा होने से पहले अगर तुमने जरा से भी चालाकी की तो हम तुम्हें जिंदगी से आजाद कर देंगे। ए लड़की, अपनी जबान पर खामोशी का ताला लगाकर चुपचाप बैठी रहो। जब तक खामोश रहेगा जिंदा रहेगा। हमको गोली चलाने पे मजबूर नहीं करना, समझा? मोबाइल दो।
फोन क्यों नहीं उठा रही है? फिर घंटी बज रही है, कोई फोन क्यों नहीं उठाता है? शिट। दूध है इसमें। कुछ मिलाया तो नहीं? किसके लिए? बबली के लिए। भाई मुझे भी लगी है भूख। अबे दीवाना भूख लगी है तो किचन में जा कुछ ले और खा ले, चल। अपने नापाक कदम मेरी किचन में नहीं रखोगे, समझे तुम? hey, डॉक्टर, अरे मैं मारूं तुम और मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता मुझे, हैं? कोई नहीं रोक सकता रे मुझे। इस घर को मैंने अपनी दिन रात की मेहनत करके खून पसीने की कमाई से बनाया है अब्दुल्ला। मेरे इस घर को अगर जरा भी नापाक करने की कोशिश की तो मैं हमारी कैद में रह के हमारी आंखों में आंखें डाल के हमको ही डरा रहा है, हैं? इसको धमकी नहीं चेतावनी समझना अब्दुल्ला। अगर तुझे अपनी जिंदगी से थोड़ा सा भी प्यार है तो इस चेतावनी को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना, वरना याद रखना तेरा भी वही हाल करूंगा जो जो जगीरा के भाई का किया था। अब्दुल्ला, गोली मत चलाना। नहीं जगीरा, मत रोक मुझे, मुझे इसकी आंखों में खौफ नहीं, बखारत नजर आ रही है। इससे पहले कि हमारे खिलाफ कोई कदम उठाए, कब्रिस्तान पहुंचा दे इसे। अबे चुप पागल का बच्चा, तेरे को बोला ना इसका जिंदा रहना हमारे लिए जरूरी है, चलाक छोड़ दे उसको। वाह, कहीं हमदर्दी तो नहीं हो गई हमारे दुश्मन से? हाँ, अगर हमदर्दी ने तुम्हें कमजोर बनाया हो तो सुप्रीमो को इन्फॉर्म कर दूं कि जगीरा अब हमारे कुछ काम का नहीं रहा। खराब मत करिए।
नहीं रजनी नहीं, मत जोड़ो हाथ लोगों के साथ। जगीरा जगीरा बहुत हो गया। देखो देखो मैं कह रहा हूं तुम चले जाओ यहां से, चले जाओ। तुम्हें तुम्हें जितनी भी कीमत चाहिए मैं दूंगा। कीमत तेरे को हम देगा, तू जाना इधर से। ये घर मेरा है, मेरा। तेरा घर था, हम इस घर का कीमत दे चुका है, इस घर पर हमारा हक है। ए बच्चा, किचन में जा, जो चाहिए लेकर खा ले जा। ए अब्दुल्ला, किचन में पाँव मत रखना, समझे तुम? अरे खबीस का औलाद, तेरे किचन से जो लेगा उसका कीमत देगा तेरे को। हर चीज की कीमत नहीं होती। होता है, होता है, नहीं होता है। मार डालेगा तेरे को, मार डालेगा तेरे को। नहीं नहीं, आपको खाना चाहिए ना, मैं लेकर आती हूँ खाना। दीवाना ये नहीं, दीवाना साला तू है, तेरे से ज्यादा समझदार तेरा बीवी है। क्या देख रहे हैं? हाँ, मैं इसको हासिल करके आता हूं। अब्दुल्ला तू पागल हो गए हो क्या? अगर जगीरा को पता चला तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यार जब पता चलेगा तब ना। हाँ चल। नहीं अब्दुल्ला, तू जगीरा के उसूलों के खिलाफ कदम उठा रहे हो। कदम उठा नहीं रहा हूं, कदम उठा चुका हूं। अरे अब्दुल्ला, ऐसा एक बार कदम उठाता है ना, मुड़कर वापस नहीं आता, क्या समझा? तू फिक्र मत कर, ऐसे ही मेरा काम हो जाएगा, मैं इसको गोली मार दूंगा। हाँ बोल दूंगा, जागीरा को भाग रही थी, मार दिया मैंने इसको। हाँ दिमाग से काम लो, दिमाग से। एक ना एक दिन जागीरा को हकीकत जरूर पता चलेगा, और उस दिन वो तुझे, समझिए वो तुझे। जागीरा बहुत हो गया जागीरा, अरे कोई ना कोई गोली पे जगीरा का नाम होगा कि नहीं होगा। हाँ हो सकता है वो गोली इसी गन में हो। बचाने के लिए उठे हैं आराम को, अब इसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी, समझा? डॉक्टर,
वरना हाथ को रोक ले वरना हाथ उखाड़ दूंगा। इस डॉक्टर ने हमारा नजरबंदी में रहकर हमारे साथ बगावत करने का कोशिश किया। अब इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कसूरवार सूरज नहीं, अब्दुल्ला है। क्या बकवास करता है तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, हकीकत की शक्ल दिखा रही तुम्हें। अब्दुल्ला ने तुम्हारे उसूल तोड़कर सूरज की बहन की इज्जत की तरफ अपने कदम बढ़ाए। नहीं, यह नहीं हो सकता। अब्दुल्ला हमारा वफादार साथी है। वो हमारा उसूलों को तोड़ना तो दूर, ऐसा करने का बात सोच भी नहीं सकता। अब्दुल्ला की गद्दारी का सबूत देखना चाहते हो तुम? तो ये देखो। चकीरा के उसूलों को तोड़ा तूने, चकीरा के उसूलों को। चकीरा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उस हरामखोर को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो चकीरा के उसूलों को तोड़े। कीचड़ से उठाकर अपने बराबर खड़ा किया और तूने हमको अपना ही नजर से गिरा दिया। हराम खोर। आस्तीन का सांप, तुझे तड़पता हुआ मरता देखना चाहता है हम। मर। साला गद्दार, गद्दारी की सजा भुग। निशाना चूक गया, चकीरा का निशाना कभी नहीं चूकता। अगर चाहता तो ये गोली तेरा बहन और तेरा बीवी के भेजे में उतार देता, लेकिन अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो तेरे पूरे परिवार का लाश गिरा देगा इधर, समझा? चलो जल्दी कर, चकीरा आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी से मोहब्बत है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। रश्मि।
जल्दी करो, जल्दी करो भाई। अब्दुल्ला की लाश को हमने गोनी में डाल दिया। गुड, वेरी गुड। ओ डॉक्टर, हमको अपना सुप्रीमो को खबर पहुंचाने का है। तुम्हारा फोन इस्तेमाल करेगा, कीमत देगा कीमत। हेलो चकीरा, खान को फोन दो। हाँ एक मिनट, खान साहब आपके लिए किसी जगीरा का फोन है, लीजिए बात करिए। हेलो खान, हम जकीरा बोलता है, अभी गौर से सुना। अब्दुल्ला ने हमारे साथ गद्दारी किया, उसने हमारे उसूलों को तोड़ा, इसलिए हमने अपना हाथ से उसको सजाए मौत दे डाला। अभी डॉक्टर सूरज हमारे आदमी लोग के साथ उसकी लाश को ठिकाने लगाने जाता है। हम उसके परिवार वालों के साथ इसी घर में है। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा जगीरा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। डॉक्टर, तुम्हारा फोन का कीमत बता। जगीरा, अब तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। अरे बाबा, कीमत बोलो, कीमत बोलो। जगीरा भाई, हमने अब्दुल्ला की लाश को डॉक्टर की कार की डिग्गी में रख दिया। क्या? डॉक्टर अभी हिसाब किताब बाद में करेगा, तुम पहले जल्दी से जाओ, लाश को ठिकाने लगा दो। जाओ, जल्दी जाओ। देखो देखो जगीरा, तुम अपनी हद से। अरे बाबा, तुम अपने परिवार का फिक्र मत करो, हमारा निगरानी में सब हिफाजत से रहेगा। बबली, रजनी, तुम लोग घबराना नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जल्दी करो डॉक्टर, जल्दी। अपना ख्याल रखना। ओके। जगीरा, क्या? अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, जाओ जाओ। तुम लोगों ने कार यहां क्यों रोकी? मैं पूछ रहा हूं, तुम लोगों ने कार यहां क्यों रोकी? अरे अरे, हाँ हाँ, छोटे गाड़ी यहां क्यों रोक दी? अच्छा अच्छा, क्या क्या, अब्दुल्ला की लाश को यहाँ दफनाने का इरादा है क्या? नहीं बड़े भाई, मुझे एक बात याद आ गई। क्या है ना कि अब्दुल्ला हमारा बहुत ही पुराना साथी था, है ना? हाँ हाँ। बेचारा जगीरा के हाथों मारा गया। सच बोला, अब्दुल्ला हमारा पुराना साथी था और अभी तक हमने उसकी मौत का जश्न नहीं मनाया। हाँ यार, आप क्या इरादा भाई? अरे छोटे, इरादा ये है कि हम कहीं जाकर अब्दुल्ला के मौत का जश्न मनाएं। तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? पागल हो गए क्या तुम लोग? अरे जश्न मनाने की बात कर रहे हो? कार की डिक्की में लाश पड़ी है, लाश, पहले उसको दफनाने के बारे में सोचो। पहली बार लाश देखी है क्या? ए डॉक्टर, तू तो बहुत बड़ा डॉक्टर है रे, बहुत बड़ा डॉक्टर। नाम है तेरा, पेपरों में पढ़ा है मैंने, फाइटिंग भी अच्छी कर लेता है। क्या है ना कि तूने तो अपनी जिंदगी में हजारों लाशें देखी है यार, एक लाश के लिए इतनी टेंशन क्यों दे रहा है तू? है ठीक कहा तुमने, मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लाशें देखी, लेकिन मैंने सिर्फ वो लाशें देखी हैं जिनकी जिंदगी बचाने की कोशिश करता था मैं। तुम लोगों की वजह से आज मुझे ऐसी लाश देखनी पड़ी जिसकी हत्या मेरी आंखों के सामने हुई। ये मत समझना कि ऊपर वाला तुम लोगों को माफ कर देगा, तुम्हारे गुनाहों की इतनी भयंकर सजा मिलेगी तुम्हें। हाँ डॉक्टर, हाँ, हम हर सजा भुगतने को तैयार हैं।
पर पहले जाकर मुन्नी बाई की नौटंकी देखेंगे। कौन सी बाई? मुन्नी बाई। हेलो, अरे हाँ, अरे बिंदास बात कर यार, इनकमिंग बिल्कुल फ्री है। फोन नहीं है लड़के, फोन रख। बिहारी बाबू, जब भी उनको फोन लगा वो ऑटो पे भी होता है। कोई माता ने कैसे कैसे यशरथ करता रहता है। जब भी उनको फोन लगा वो ऑटो पे भी होता है। कोई माता ने कैसे कैसे यशरथ करता रहता है। मोबाइल है यार दोस्त मेरी, चिपकी रहती कल से मेरी। मोबाइल है यार दोस्त मेरी, अरे चिपकी रहती कल से तेरी। अरे मैं अक्का मुंबई का भाई हूँ। भाई बोल, बैंड स्टैंड पे मिलती है क्या? अरे संजू बाबा, कभी कभी मैं फोन में आती हूँ वाला। अरे दिखता है भला 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 भला। अरे रा मेरे यार मोबाइल वाला। अरे वो आप चुल्ला तू तो देखता है। अरे डॉक्टर के बच्चे, इस बेचारे अब्दुल्ला का एक सपना था, तेरी बीवी को उठाने का सपना। वो सपना अब अपन पूरा कर देंगे, अपन पूरा कर देंगे। All right.
डॉक्टर ज्यादा शाना मत बनो। तू अच्छी तरह जानता है कि तेरी बीवी और तेरी बहन जगीरा के कब्जे में है। जगीरा कुछ भी कर सकता है। चल शराफत से चल, हमें वापस जाना है डॉक्टर। चल 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 डॉक्टर के बच्चा। रजनी बबली, रजनी कहाँ हो तुम लोग? रजनी रजनी बबली, भगवान का लाख लाख शुक्रिया तुम लोग ठीक हो। डॉक्टर ठीक है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर, तुम्हारी बहन और बीवी ठीक है। ठीक कैसे नहीं होएगा वे, जगीरा का हिफाजत में था। और तुम अब्दुल्ला का लाश को ठिकाने लगाया? हाँ। थैंक्स डॉक्टर, मदद के लिए शुक्रिया। जगीरा वो पुलिस आ गई। डॉक्टर डॉक्टर, अगर हम लोग को पकड़वाने का वास्ते तुम पुलिस को दावत दिया है तो बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगा तेरे को। और सुन, अगर तू पुलिस को खाली हाथ लौटा दिया तो उसका भी बहुत बड़ा कीमत देगा तेरे को। हाँ समझा, पकाते पकाते। ओए बच्चा लोग सुनो, अगर इस रामखोर ने पुलिस को कुछ बताया तो इसका बीवी और बहन को गोली मार देना। जाओ जल्दी करो जाओ। ओए हेलो, आइए आइए इंस्पेक्टर किरण, आज अचानक यहाँ यहाँ से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिल लूं। बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं? अरे भाई हमारी जिंदगी में चैन कहाँ, जगीरा ने तो रात की नींद और दिन का चैन एकदम हराम करके रख दिया है। कुछ पता चला जगीरा के बारे में? पता चल गया है जगीरा के बारे में, यहीं कहीं हमारे नजदीक किसी अपने ने ही पनाह दी है उसे। अगर मुझे एक बार पता चल गया ना तो जगीरा से पहले मैं उसे गोली मार दूंगी। हेलो व्हाट, जगीरा के खास आदमी अब्दुल्ला की लाश मिली है, मैं भी पहुंचती हूँ। अच्छा सूरज मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। आइए मैं आपको भातक छोड़ देता हूँ। जी एनी प्रॉब्लम? घर बहुत अच्छा बनाया है लेकिन अंदर से बाहर क्यों नहीं? हाँ वो दरअसल कुछ पैसों की तंगी हो गई थी जिसकी वजह से मैं बाहर का काम करवा ना सका, बस जल्दी ही मैं बाहर का काम भी शुरू करवाने जा रहा हूँ। अपना घर नहीं दिखाएंगे? हाँ जरूर क्यों नहीं, लेकिन आप कह रही थी ना आपको जल्दी है कि किसी की लाश मिली है, अगली बार आइए ना लंच पे, एक साथ लंच करेंगे। वैसे भी मुझे एक जगह पहुंचना था, मुझे देर हो रही है, फिर कभी।
चलिए बाय। ओके बाय। थैंक यू डॉक्टर, मदद के लिए शुक्रिया। नहीं नहीं शुक्रिया नहीं, जगीरा किसी का एहसान नहीं लेता। कीमत अदा करेगा? बोल डॉक्टर, कितना कीमत चाहिए मदद करने का? जिस तरह तू मुझे मजबूर करके हर चीज की कीमत अदा करता है ना जगीरा, याद रखना जिस दिन बाजी मेरे हाथ में आ गई उस दिन मुझे और मेरे परिवार वालों को तड़पाने की इतनी भारी कीमत वसूल करूंगा तुझसे जगीरा कि दुनिया उसे इतिहास बना देगी, याद रखना। ओए खबीस, जगीरा का बाजू इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी बाजी अपना हाथ से जाने दे। मगर मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। ओए साला, भरोसा तो इस मुल्क का पुलिस और मिलिट्री को भी था, लेकिन जगीरा ने उनका भरोसा को राग का ढेर बनाया। सीएम धीरेंद्र सिंह को मारकर तुझे भी राग का ढेर बनाएगा जगीरा डॉक्टर। तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा जगीरा, क्योंकि जब भी तू धीरेंद्र सिंह जैसे किसी शरीफ इंसान की जान लेने के लिए कदम बढ़ाएगा तो मेरे जैसे हजारों हिंदुस्तानी धीरेंद्र सिंह के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे। ओए, जगीरा को हर ढाल तोड़कर अपना मकसद पूरा करना आता है, समझा? जब एक हिंदुस्तानी सीना किसी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है ना जगीरा, तो तुझ जैसे नापाक इरादे रखने वाले शैतानों को उसके सामने घुटने टेक कर जिंदगी की भीख मांगनी पड़ती है। और तेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। एक बार ऊपर वाले की सौगंध जगीरा, सिर्फ एक बार मेरे परिवार के सर से अपने डर की तलवार को हटाकर तो देख, मैं तुझे जिंदगी की भीख मंगवाने के लिए अपने पैरों पर गिरा दूं तो मैं भी एक बाप की औलाद नहीं। जा, सूरज तुझे चैलेंज करता है। का वक्त देता है सिर्फ 3 दिन का। 3 दिन के अंदर उस सीएम धीरेंद्र सिंह के पूरे परिवार को तेरी आंखों के सामने मारकर तुझे जिंदा जलाएगा जगीरा। तू क्या जलाएगा रे मुझे? 3 दिन के अंदर अंदर मैं तुझे जिंदगी और मौत के दरमियान ऐसे मंजर पर लाकर खड़ा कर दूंगा जहां तू बचाओ बचाओ चिल्लाएगा। अरे वहां तुझे बचाने वाले होंगे जरूर, लेकिन कोई बचाने नहीं आएगा। तू पानी पानी चिल्लाएगा, वहां पानी होगा लेकिन कोई चलाने वाला नहीं होगा। इंतजार कर उस वक्त का जगीरा, इंतजार कर। हेलो। हाँ बेटा, मैं धीरेंद्र बोल रहा हूँ, तुम कैसे हो? ओह सर, आप कैसे हैं सर आप? मैं भी ठीक हूँ। एक बुरी खबर सुनाना चाहता था तुम्हें। कैसी खबर सर? अभी अभी पुलिस को निर्गर के खास आदमी अब्दुल्ला दीवाना की लाश मिली है। उसकी लाश को देखकर हम सब चौंक गए हैं। बेटा क्या तुम्हें अंदाजा है कि किसने मारा होगा इसे? एनीवे तुम अपना ख्याल रखना, बड़ा खतरनाक आदमी है वो। थैंक यू सर। ओके सर, मैं रखता हूँ। हेलो, सुरेश बेटे, मैं धीरेंद्र बोल रहा हूँ। कहिए सर।
तुमसे मिलने का मन कर रहा है। जी जरूर, मैं आपको मिलने आ जाता हूँ ना सर। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों आओगे? क्या मैं नहीं आ सकता तुम्हारे घर? नहीं नहीं सर, आप उससे बड़े हैं सर, मैं आपको मिलने आता हूँ ना सर। इसी बहाने तुम्हारा घर भी देख लूंगा। सर नहीं सर, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर। अरे नहीं नहीं, एक एहसान और कर दो, अपने घर पर चाय पिलाकर कल शाम को चाय तेरे साथ, हा? चाय के साथ कुछ नहीं। जी ठीक है सर, जैसा आप चाहें। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक। वाह, हमारा तकदीर तो चोरों पर है भाई। मुख्यमंत्री खुद मौत को गले लगाने के लिए हमारा आगोश में आएगा। जगीरा, मुख्यमंत्री की हिफाजत करना मेरी जवाबदारी है, और तू भी देखना जगीरा, उन्हें मौत तो क्या, मौत का साया भी छू नहीं पाएगा। अब मुख्यमंत्री को मेरे हाथों से तू तो क्या, तेरा खुदा भी नहीं बचा सकता डॉक्टर। जगीरा, अगर हम दोनों की लड़ाई में तू मारा गया तो जानता है लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि जगीरा कुत्ते की मौत मारा गया, और अगर इस लड़ाई में मैं मारा गया तो मैं शहीद कहलाऊंगा, अमर कहलाऊंगा। जगीरा साला, तुम कुत्ते का तुम है, कभी सीधा नहीं होएगा। हम बताएगा तेरे का, हम बताएगा। बात करो। हेलो, थैंक गॉड बबली तुम्हारा फोन तो लग गया। हेलो पापा, कैसे हो तुम? तुम्हारे बिना ठीक तो नहीं हो सकता ना, और तुम भी कमाल करती हो, ना फंक्शन में आई, ना मुझसे मिली, ना मुझे फोन किया, क्या हो रहा है ये सब? वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। मैं तबीयत खराब हो गई थी, क्या हो गया तुम्हें? इसलिए मैं, एटलीस्ट तुम मुझे फोन कर सकती थी। एनीवे मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। नहीं नहीं पापा, तुम यहाँ मत आओ, मैं तुम्हें दो तीन दिन में फोन करती हूँ। दो तीन दिन बाद अबली, क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरे बिना एक पल नहीं गुजार सकती थी, अब दो तीन दिन बाद फोन करो। समझने की कोशिश करो पोपो, मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहती। भगवान ने चाहा तो मैं तुम्हें दो तीन दिन बाद जरूर मिलूंगी। दोनों यही रोको, मैं देख कर आता हूं। अगर फकीरा भाई कोई खतरा हुआ तो? अगर खतरा हुआ फिर भी तुम दोनों हथियारों का इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है बड़े भाई, लेकिन होशियारी से,
अपना ख्याल रखना। किससे मिलना है? पब्ली से। अबे, अपनी जिंदगी से मोहब्बत है तो वापस चला जा। मैं अपनी मोहब्बत की खातिर यहां आया हूं और मुझे अपनी मोहब्बत की कसम, बिना अपनी मोहब्बत का दीदार किए हुए मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अब अगर ये कदम आगे बढ़ाया तो यही दफना दूंगा, समझ गई ना? जा, भाग यहाँ से। नहीं होगा। तेरे भाई ने मना किया था आगे उठाना। चल लूगा, दिखा अपनी ताकत। जा। चाहते थे कि इन हथियारों का इस्तेमाल तुम पे किया जाए, लेकिन तेरा वजूद खत्म करने के लिए तेरे भेजे में इसका वरुण डालना बहुत जरूरी है। तेरे इस लोहे के खिलौने में इतना बारूद नहीं कि मेरा भेजा उड़ा सके, समझा? पब्लिक, तुम बात भेजे भेजे की, जिनके पास भेजा नहीं होता है वो हथियार का इस्तेमाल करके अपनी ताकत का दिखावा करते हैं तेरी तरह, और जिनके पास भेजा होता है वो अपने भेजे का इस्तेमाल करके तुझ जैसे बेवकूफों को छठी का दूध याद दिलाते हैं मेरी तरह। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारे सर पर लटक रही तलवार से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ बबली। कौन है ये लोग? ये लोग आतंकवादी हैं, बहुत खतरनाक हैं ये लोग, और इस वक्त हम इनकी कैद में हैं। दुनिया के किसी भी जल्लाद के इरादे में इतनी ताकत नहीं बबली कि मेरी मोहब्बत को अपने काबू में रख सके। चलो बबली, चलो यहाँ से। नहीं पप्पू, जोश में उठाया कदम यहाँ लाशों के ढेर लगा देगा, और मैं नहीं चाहती हमारी वजह से तुम भी, इसलिए प्लीज तुम जाओ यहाँ से। बबली, हमने साथ जीने मरने की कसम खाई है और तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं? कभी नहीं, मैं तब तक ढाल बन के तुम्हारी हिफाजत करूंगा बबली, जब तक इन आतंकवादियों को खत्म ना कर दूं। तुम्हारी कसम। बबली, इतना बड़ा धोखा बबली, तुम मेरे विश्वास के साथ इतना बड़ा धोखा करोगी मैं सोच भी नहीं सकता था। इसने आपका विश्वासघात नहीं किया है भाई साहब, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, और इस सिलसिले में मैं आपसे मिलने भी वाला था। शट अप, तुम बीच में नहीं बोलोगे? जो इंसान किसी के घर में घुसकर उसकी इज्जत को नीलाम करने पे तुला हो,
ऐसे इंसान के साथ मैं अपनी बहन का रिश्ता कभी नहीं होने दूंगा। देखिए भाई साहब, गेट आउट, आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। भाई साहब आप जो सजा देंगे मुझे कबूल है, लेकिन प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, ये झगड़ने का वक्त नहीं है। आइए हम दोस्ती करते हैं और मिलकर दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। इन्होंने हमें घेर लिया है भाई साहब, गुस्से को थोक दीजिए और मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए ताकि हम मिलकर इन दुश्मनों का मुकाबला कर सके। भाई साहब क्या सोच रहे हैं आप? भैया प्लीज दे दीजिए ना हाथ, ये बहुत अच्छे इंसान है और भैया इन्होंने तो मेरी जान भी बचाई थी। हाँ? प्लीज प्लीज कि किसी भी मर्द में इतना हिम्मत नहीं जो जगीरा को मौत का कब्रिस्तान में पहुंचा दे। और तुम दोनों हमको मारने का सपना देख रहे हो। लगता है तुझे आज तक किसी हिंदुस्तानी ने अपने 2.5 किलो के पंजे से धोया नहीं है, वरना तू ये फालतू डायलॉग नहीं बोलता बल्कि पतली गली पकड़ के निकल चुका होता। हिंदुस्तानी लोग जब तक सहते हैं बहुत सहते हैं, मगर जब देते हैं तो बहुत बुरी तरह से देते हैं, बिना गिने देते हैं। शुरू करूं क्या? क्या? Oh my God! क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ सर। सर जगीरा अपने साथियों के साथ मेरे ही घर में छुपा हुआ है। वो लोग कितने? सर पूरे 6। 6 हथियार उन्होंने अपने पास? हाँ सर बहुत सारे। तुम लोग कितने हो? सर मेरे साथ मेरी वाइफ है और मेरी बहन। सर आप प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। देखो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे घर पुलिस भेजता हूँ। छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, वो मर जाएगा। मर जाएगा तो क्या हुआ? हम इसका कीमत देगा। उसको खून निकल रहा है। खून निकल रहा है तो खून का भी कीमत देगा जगीरा। खून का कीमत देगा। खून की कीमत नहीं होती है। होता है, हर चीज का कीमत होता है। खून का भी कीमत होता है, जान का भी कीमत होता है। हम इसका जान लेगा, इसका बाद इसका जान का कीमत देगा, तुम देखेगा। छोड़ दो उसे। जगीरा, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं 10 तक गिनूंगा, सिर्फ 10 तक। दो। डॉक्टर, अगर तू ये पुलिस को बुलाया है तो बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा तू। तू जिंदा बचेगा तब ना जगीरा। आज बाजी मेरे हाथ में है, 100 सुनार की और 1 लोहार की। चुप हरामखोर। रमुल्ला, नूरा, तुम लोग इधर रुको। Thank you.
कोई भी जगी राजा उसके आदमियों पर एक भी गोली नहीं चलाएगा। 21 मुल्कों का पुलिस ने जगीरा का पीछा किया और उस पर बरसात की तरह गोली बरसाया, लेकिन जगीरा अभी तक जिंदा है। तुम क्या उखाड़ लेगा इंस्पेक्टर? अभी हम तुमको बताएगा कि एक आतंकवादी पुलिस पर कैसा गोली चलाता है। डॉक्टर सूरज अपनी बहन और बीवी को लेकर पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहा है। कमान कमान बबली, चलो फटाफट, कम ऑन फास्ट रजनी, कमान चलो। अच्छा,
केदार केदार उधर उधर दुनिया में किसी भी आदमी का रफ्तार मौत से तेज नहीं है ओए, और तब तो बिल्कुल नहीं जब जगीरा सामने किसी की मौत बन के खड़ा हो। मौत मेरे नहीं तेरे चारों तरफ मंडरा रही है जगीरा। हिंदुस्तानी सिपाहियों की गोली किसी भी वक्त तेरे वजूद को मिट्टी में मिला देगी। हिंदुस्तानी सिपाही ये या वो हमने कहा था ना डॉक्टर, हर चीज का कीमत होता है। हमने हर चीज का कीमत चुकाया है, समझा जगीरा? चंद सिपाहियों को खरीद कर तू ये मत समझ लेना कि तूने फतेह हासिल कर ली है। जिस तरह से तेरे भाई सलीम को मारा गया था ना, उसी तरह आज मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। हमारा भाई का मौत का कीमत तेरे को तेरा परिवार का मौत से चुकाना पड़ेगा डॉक्टर। नहीं जगीरा नहीं, तूने मुझसे वादा किया था कि तू मेरे परिवार को हाथ भी नहीं लगाएगा। अरे तू साला बेवकूफ है जो जगीरा की बात पर यकीन कर लिया। जगीरा इन बुलंदियों पर अपना सगा बाप को मारकर पहुंचा है डॉक्टर, अपना सगा बाप को मारकर, और अब अपना भाई का मौत का बदला जगीरा अपना ही उसूल तोड़कर वसूल करेगा। तेरा बहन और तेरा बीवी को अपना रखेल बनाएगा जगीरा, अपना रखेल बनाएगा। जगीरा छोड़ दो मुझे, जगीरा तेरी हिम्मत खराब कर। नाराज क्यों होता है डॉक्टर? हम कीमत देने को तैयार है ओए, कीमत चाहिए ना? ये देख बोल कितना कीमत मांगता है। ये ले, ये हमारा मुल्क का पैसा है ओए। जगीरा Mm-hmm.
रुक जा डॉक्टर, रुक जा, वरना तेरी बीवी मारी जाएगी। नहीं नहीं जगीरा, जगीरा छोड़ दे मेरी बीवी को, छोड़ दे उसे वरना वो मर जाएगी। जगीरा मेरे कान में, छोड़ दे उसे। अरे मर जाएगी तो क्या हुआ, इसकी भी कीमत दूंगा तुझे। तू पागल हो गया जगीरा, जगीरा तू पागल हो गया। बीवी की भी कोई कीमत होती है क्या? होती है, बाजार में औरत नहीं बिकती है क्या? आज तेरी बीवी की भी कीमत लगेगी। बोल जगीरा, जगीरा मेरी बीवी की कोई कीमत नहीं है। कोई कीमत नहीं है, अपनी बीवी फोकट में देगा क्या? हैरत नहीं चाहिए, बोल कीमत बोल। ए डॉक्टर बेवकूफी मत कर, बता तेरी बीवी की कीमत क्या है। भाई साहब कह दीजिए, भाई साहब। भैया प्लीज बोल दीजिए प्लीज। अबे डॉक्टर कीमत बोल, नहीं तो इतनी खूबसूरत बीवी को मुफ्त में गवा दोगे, मुफ्त में। बोल कीमत डॉक्टर, डॉक्टर कीमत बोल डॉक्टर, डॉक्टर वरना वो तेरी बीवी को मार डालेगा। 20,000 रुपए। 20,000? इतना सस्ता है तेरा बीवी? चल दिए, आज से तेरा बीवी मेरी हुई डॉक्टर, मेरी हुई। देख जगीरा, देख देख, अब तो मेरी बीवी को छोड़ दे। देख उसका उसका खून बह रहा है। तो क्या हुआ, खून का कीमत भी दूंगा। जगीरा तू तू सब पागल हो गया है, तू पागल हो गया है। अरे खून की भी कीमत होती है क्या? होता है, खून बाजार में बिकता है, तेरे को पता नहीं है? खून बाजार में बिकता है? नहीं बिकता। हाँ बिकता है। अरे खून तो क्या, जिस्म का हर हिस्सा बिकता है, आँख बिकता है, दिल बिकता है, गुर्दा बिकता है, कलेजा बिकता है, किडनी बिकता है, तेरे को मालूम नहीं है? सब बिकता है। बोल किडनी का कीमत बोल। अरे नहीं मालूम। अरे तुझे कैसे नहीं मालूम, मैंने खुद पेपर में पढ़ा है, किडनी का कीमत होता है 2,50,000 रुपए। बोल है कि नहीं? बोल डॉक्टर बोल। डॉक्टर बता दे वरना जगीरा तेरी बीवी को मार डालेगा। बोल बोल किडनी की कीमत क्या है, कीमत बोल। भाई साहब कीमत बोल दीजिए वरना ये छोड़ेगा नहीं आपकी बीवी को। जल्दी डॉक्टर बोल वरना तेरी बीवी को मार डालूंगा। बोल। 2,00,000 रुपए? नहीं झूठ बोल रहा है तू। 2,00,000 रुपए नहीं, 2,50,000 रुपए। मैंने पढ़ा था किडनी की कीमत 2,50,000 रुपए होती है कि नहीं? बोल। 2,00,000? 2,00,000 होती है, मैंने खुद बेची है। 2,50,000? नहीं 1,000 रुपए बेची है। 2,50,000? 2,50,000? You are under arrest, doctor. मतलब ये लोग आतंकवादी नहीं, पुलिस वाले हैं सूरज। मैं हूं इंस्पेक्टर दिवाकर चौधरी, और मैं हूं इंस्पेक्टर तनवीर सिंह, और मैं इंस्पेक्टर पंकज, मैं इंस्पेक्टर रुखसाना बेगम, मैं इंस्पेक्टर मुकेश, और मैं इंस्पेक्टर अशोक पाटिल उर्फ अब्दुल्ला दीवाना। डॉक्टर सूरज, दरअसल हमें पता चला कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है जो मरीजों की किडनी निकालकर उन्हें महंगे दामों पर बेच रहा है। इंक्वायरी की तो पता चला कि उस ग्रुप के चीफ तुम हो डॉक्टर सूरज। मरीजों की किडनी धोखे से निकालकर उन्हें महंगे दामों पर भेजने का घिनौना आइडिया तुम्हारा है। हमें यह भी पता चला कि तुम बहुत चालाक हो। अगर हमने तुम्हें डायरेक्टली गिरफ्तार कर लिया तो तुम अपना शातिर दिमाग और हराम से कमाई हुई दौलत का इस्तेमाल करके छूट जाओगे और हमें झूठा साबित कर दोगे। तो इसके लिए मैंने एक प्लान तैयार किया और उस प्लान को चीफ मिनिस्टर के सामने पेश किया गया। थैंक यू सर। चीफ मिनिस्टर से परमिशन मिलने के बाद हमने तुम्हारी बीवी से कॉन्टैक्ट किया और तुम्हारी बीवी ने तुम जैसे आदमी का साथ देने के बजाय हमारा साथ देना बेहतर समझा। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक है,
मैं आपके साथ हूं। थैंक यू। बस हमने अपने प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमने एक पुलिस ऑफिसर को जागीरा का भाई बनाकर चीफ मिनिस्टर की बेटी पर अटैक करवाया, ताकि चीफ मिनिस्टर और इंस्पेक्टर खान तुम्हारे दिमाग में आतंकवादी जागीरा का खौफ डाल सके। और वैसे ही हुआ, तुम्हारे दिलो दिमाग पर जागीरा की तस्वीर छा गई और फिर मैं अपने साथियों के साथ तुम्हारे घर में घुस गया। तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए मैंने अब्दुल्ला दीवाना उर्फ अशोक पाटिल को नकली गोली से मार दिया, और जिस वक्त तुम इंस्पेक्टर मुकेश, इंस्पेक्टर पंकज और इंस्पेक्टर त्रिपाठी के साथ अब्दुल्ला दीवाना की लाश जंगल में दफनाने गए थे, जाते समय ये लोग मुन्नी बाई की नौटंकी देखने के बहाने वहीं रुक गए, और मौका देकर इंस्पेक्टर खान ने इंस्पेक्टर पाटिल की लाश को डिक्की से निकाल लिया। प्लान तो बहुत अच्छा था, मगर अदालत में यह कैसे साबित करोगे कि किडनी बेचने वाले इस रैकेट का मैं चीफ हूं? हाँ बोलो बोलो। इंस्पेक्टर दिवाकर चौधरी, अदालत को सबूत चाहिए। सबूत? और सबूत कहां से लाओगे? अदालत में मैं साफ मुकर जाऊंगा, मैं कह दूंगा कि मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं। फिर क्या करेंगे आप इंस्पेक्टर दिवाकर चौधरी? तू बहुत चालाक है, इसलिए हमने तुझे सीधा जनता की अदालत में पेश कर दिया है। मतलब? मतलब ये कि तूने जो कुछ अभी यहां कबूल किया है उसे कैमरे के जरिए उसका सीधा प्रसारण सारी दुनिया में कर दिया है। सूरज, अगर भगवान के बाद आदमी किसी पर भरोसा करता है तो वो एक डॉक्टर पर, लेकिन तूने तूने अपने पेशे के साथ जी, अगर अपने फर्ज के हाथों मजबूर नहीं होता तो तुझ जैसे आदमी को तो मैं रेस्ट में सर, दिवाकर बोल रहा हूं। बोलो दिवाकर। हम कामयाब हो गए। गुड, मैं तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सर। ए इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर तू हमेशा मुझसे हर चीज की कीमत पूछता था ना, आज मैं तुझसे कीमत पूछता हूं। बोल बोल, मेरी आजादी की कीमत क्या है? कितने रुपए लेगा तू मुझे आजाद करने के? अरे खामोश क्यों खड़ा है? कीमत बोल इंस्पेक्टर, कीमत बोल, कीमत। अरे अपने ईमान की कीमत बोल। सोच क्या रहा है, सोच क्या रहा है इंस्पेक्टर? अरे जितने रुपए तू जिंदगी भर सरकारी नौकरी करके कमाएगा उससे हजार गुना ज्यादा मैं तुझे एक मिनट में दूंगा इंस्पेक्टर, एक मिनट में। कीमत बोल, कीमत। बस बस मुझे आजाद कर दे, मुझे आजाद कर दे इंस्पेक्टर, मुझे आजाद कर दे, मुझे आजाद कर दे।